हाय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये सीटी स्कैन की जो स्लाइड है विद कंट्रास्ट, आप इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपको एक सिस्ट दिखाई दे रही है और उसके इर्द गिर्द आपको ब्लैक टिश्यू दिख रहा है जो कि इडमा है, ठीक है ना। तो ये सर्वल इडमा है और इसमें जो सिस्ट दिखाई दे रही है बेसिकली ये एक केस ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। ये एक 9 साल के बच्चे का सीटी स्कैन हेड है विद कंट्रास्ट उन्होंने किया है। ये बच्चा प्रेजेंट किया था कि ये खाते खाते अनकॉन्शियस हो गया और फिर इसको फिट्स पड़ने लगे राइट साइड। अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ये एक, इसको हम लोग ने सीटी स्कैन जब कराया तो उसको एक सॉलिटरी सिस्ट दिखाई दी जिसके ऊपर इर्द-गिर्द पेरिसिस्टिक एडमा दिखाई दे रहा था और जनरलाइज सेरेब्रल एडमा भी था इसके ऊपर। तो ये बेसिकली न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केस है। अब इसके डेफिनेशन डायग्नोसिस में ट्यूबरकुलोमा आता है, तो आप ट्यूबरकुलोसिस अगर रूल आउट कर लेते हैं तो फिर ये ज्यादातर ये फेवर में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के जाता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बेसिकली एक बीमारी है जो कि टेप वर्म के जो सिस्ट होते हैं, टेप वर्म यूजली जैसे आप जानते होंगे कि ये जो पिग्स वगैरह में होते हैं और उनके फीकल मैटर में निकलता है, और जब हम कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं तो ये एग्स हमारे पेट में चले जाते हैं और ये लार्वा स्टेज में से अगर पेट में रहते हैं तो ये हमें टीनी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अगर इसकी सिस्ट लार्वा स्टेज में ब्लड के जरिए होके मसल्स में चली जाएंगी या ब्रेन में चली जाएंगी तो ये ब्रेन में जाएंगी तो इसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जाहिर सी बात है ये जब ब्रेन के पैरेन्काइमा में जाके ये टिश्यू में बैठेगा तो उस टिश्यू को डिस्प्लेस करेगा और वहां पर बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ जो आपके ये नॉन एपिलेप्टिक फिट्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो इस तरह के पेशेंट्स हम लोग के पास अक्सर आते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है वो पहले हम लोग इसको स्टेरॉइड देके इसके एडिमा को सबसाइड करते हैं और उसके बाद फिर एल्बेंडाजॉल का या प्राजिक्विटल का ट्रीटमेंट जो है वो 28 डेज का एल्बेंडाजॉल का कोर्स देते हैं और साथ में उसको फिट्स पड़ने की दवाएं भी साथ में दी जाती हैं। और धीरे धीरे यूजुअली ये इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, ये धीरे धीरे ये सिस्ट कैल्सिफाई हो जाती है और ये बच्चा फिर ये सिम्टम फ्री हो जाता है और उसके थोड़े दिनों बाद हम लोग उसके एंटी कन्वर्शन ड्रग भी बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बेसिकली ये वीडियो मेरा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और जनरल पब्लिक के लिए भी कि आप लोग कंटेमिनेटेड फूड्स अवॉइड करने के लिए फलों को जो भी जड़ों से निकलते हैं, जो खेतों में जो फलों निकलते हैं उनको आप अच्छे से धोएंगे और पानी साफ करेंगे और फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं। और 6-6 महीने पर आप लोग सब लोग एल्बेंडाजॉल लेते रहिए ताकि आपकी डीवर्मिंग भी रेगुलरली होती रहे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।